उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा संकट में, अपने ही विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा जा रहा है 12-13 विधायक उनके खिलाफ। ऐसे में बहुगुणा के सियासी भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई। मैं विजय बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उत्तराखंड से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के महज 14 महीने बाद विजय बहुगुणा का जादू कांग्रेस के भीतर ही धुंधला पड़ने लगा है। विधायकों के अंदर पनप रहे असंतोष को अगर संकेत समझें, तो विजय बहुगुणा का ज्यादा दिनों तक उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल है। जरा असंतोष के इन सुरों को सुनिए। मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि अधिकारी सिंसियरली काम करें, जो एमएलए हैं उनकी बातों को सुने, और जो नई सरकार गठित होने के बाद सरकार का जो मैसेज जाना चाहिए था, वो मैसेज ना पार्टी कार्यकर्ताओं में जा पा रहा है, ना आम जनता में जा पा रहा है। ये कहने में शर्म आ रहा है कि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, जिस मुख्यमंत्री ने घोषणा करने के बाद एक भी कार्यों का कोई पहल नहीं किया, उसको कोई जो है अमली जामा नहीं पहनाया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। विधायकों का आरोप है कि विजय बहुगुणा के राज में सूबे में अफसरशाही बेलगाम हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, विधायक अपने इलाके में जाकर वोट मांगने लायक नहीं रहे। विधायकों के इस विरोध को सबसे पहले आवाज दी स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने। करीब 1.25 साल इस सरकार का बीतने को है, और जितनी बड़ी मैं समझता हूँ आशाएं थी, उसके अनुरूप जो है धरातल पर विकास नहीं उतर पाया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कई विधायक इस्तीफे के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो हरीश धामी है जो सामने बोल रहा है, जिस दिन हरीश धामी इस्तीफा देगा निश्चित तौर पे 10-15 विधायक और इस्तीफा देंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि हर किसी के दिल में जो है दर्द है। आज हर कोई बोल नहीं पा रहे, लेकिन हर कोई चाह रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है पहल करे। उनकी मुसीबत बढ़ाने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी लगातार निर्दलीय और बीएसपी विधायकों के संपर्क में बताए जाते हैं। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।